Listen, I also don't know. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। वी आर नियरिंग द फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट विच इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिसेंट फेज और द लोकल नेविगेशन फेज। व्हाट इज इट? The moon looks like water. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Third phase started. Final. Lot of applause. 800 meter बचा हुआ बस. Indicates that till now the performance has been nominal. अब सीधे जा रहा है ना? We are in the vertical descent phase one. अब उसे ग्राफ में दिखाएंगे तो समझ में आएगा. What is the graph? The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. उतर रहा है, देखो। जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। After bathing, you should also wear your cloth. We are approaching the vertical descent phase 2, which what will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि second hovering phase के complete होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। वो कुछ नहीं, यहाँ की focus on this mobile screen. जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। 63 62। Currently only two engines are now being fired and we are nearly at zero velocity vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon surface. धीरे-धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। 39 37 35 33 31। वी कैन सी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। रुको 22 हु इज हियर टू एनकरेज अस 19 एंड ही इज क्रिटिकली लुकिंग एट द विजुअल्स। इट इज लैंडिंग। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम
ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा, द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूएशन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। सर, आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अस एंड ब्लेस अस। थैंक यू सर। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास।